इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के प्रकार, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति में हूं। अकोला में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब नपुंसकत्व, लिंग में कठोरता नहीं आना या लैंगिक कमजोरी, ये काफी बड़ा प्रॉब्लम है और 40 साल की उम्र के बाद में तो ये 50% लोगों को होता है। जब ये 40 से ज्यादा उम्र वाले लोगों में होता है तो इसको कारण जो होता है वो होता है ज्यादातर ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मतलब उसका कारण कुछ शारीरिक होता है। 40 साल के कम उम्र है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, मतलब लिंग में कठोरता नहीं आ रही है, टाइटनेस नहीं आ रहा है, तो फिर वो साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। अब साइकोजेनिक में क्या कारण है? साइकोजेनिक में स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन, मानसिक बीमारियों की गोलियां खाना, तो ये कारण साइकोजेनिक में हो सकते हैं, पति पत्नी का नहीं पटना वगैरह। ऑर्गेनिक में डायबिटीज मतलब मधुमेह, शक्कर की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, अल्कोहल, शराब, टोबैको, तंबाकू आदि मेन कारण होते हैं। वैसे टेस्टोस्टेरोन की लेवल कम होना या फिर बढ़ती उम्र के हिसाब से इंटरेस्ट कम हो जाना या उतना जोश नहीं रहना, तो ये कारण ऑर्गेनिक में होते हैं, ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन में। हम ट्रीटमेंट जब हम करते हैं तो उसमें हम उनको, यदि साइकोजेनिक है तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं, साइकोथेरेपी। ऑर्गेनिक है तो फिर सिल्डेनाफिल, मतलब वायग्रा जैसी टेबलेट है, सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल, वर्दानाफिल, एवानाफिल, ऐसी जो दवाइयां वो दवाइयां देते हैं, और उससे ये फायदा नहीं हुआ तो फिर वैक्यूम डिवाइसेस आते हैं वो देते हैं, इससे भी फायदा नहीं हो रहा है तो इंजेक्शन पेपेवरिन का इस्तेमाल करते हैं, जो इंजेक्शन हम पेनिस में देते हैं, लिंग में देते हैं इंजेक्शन, और वो बाद में फिर पेशेंट बोलते हैं आप घर में ले लो, तो वो करते हैं और उससे भी फायदा नहीं हो रहा है और पेशेंट बहुत ही डिस्टर्ब है, तो फिर सर्जिकल इम्प्लांट डालना, और वो इम्प्लांट डाल के उसमें भी फिर फॉरेन का इम्प्लांट है, इंडियन इम्प्लांट है, वो डालना और उसको लैंगिक जीवन का अनुभव वो ले सकता है इम्प्लांट डाल दे। तो ऐसे अलग अलग उसके तरीके ट्रीटमेंट के। ज्यादातर लोगों में साइकोथेरेपी, हिप्नोथेरेपी, काउंसिलिंग करना, मास्टर्स एंड जॉनसन टेक्निक, और जो अभी मेडिसिन निकली है मेडिसिन, इससे फायदा होता है। बहुत कम लोगों में इम्प्लांट करने की जरूरत होती है, तो इसमें बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। आप इसका इलाज करते हैं तो यह समस्या से आप दूर हो सकते हैं। वैसे 4 या 5 में से एक बार फेल हो गया तो वो नॉर्मल समझा जाता है, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है नहीं। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफी सारे वीडियोज है, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।